हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गाइस, जैसा आप सभी जानते हो, हम आप लोगों के लिए एमसीक्यूज की वीडियो बना रहे हैं और रेगुलरली पोस्ट कर रहे हैं। जो लास्ट वीडियोस हमने बनाई है वो 12th क्लास के लिए बनाई है, उससे पहले हमने 11th के लिए बनाई थी। आज अगेन हम 11th के लिए बहुत अच्छे एमसीक्यूज के साथ आए हैं, 18 एमसीक्यूज के साथ आप लोगों के सामने आए हैं, जिससे आप लोगों को एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरीके से एमसीक्यूज पूछे जाने वाले हैं। तो गाइज, मैं आप सभी से चाहूंगा कि आप इन एमसीक्यूज को, सभी एमसीक्यूज को बहुत अच्छे से समझिए, ताकि आपको एग्जाम में बैठकर कोई परेशानी ना हो। और गाइज, आप ये भी देखना कि एमसीक्यूज एग्जाम में जब आप चेक करोगे तो इसी तरीके के एमसीक्यूज आपको एग्जाम में, अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो गाइज, आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, विद 38 तक हमने पहले किए थे, आज हम 39th एमसीक्यू के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं जल्दी से, और आप लोग भी मेरे साथ साथ रिस्पॉन्स करते जाना, आप लोग भी अपने माइंड में सोचते जाना कि क्या आंसर होना चाहिए। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। देखिए क्या बोल रहा है, परचेज रेफर टू बाइंग ऑफ। परचेज रेफर टू, परचेज किसको रेफर करता है, क्या बाय करना, आप बहुत अच्छे से जानते हो। परचेजेस का मतलब होता है जिस चीज में आप डील कर रहे हो उसको परचेज करना। तो पहला ऑप्शन है परचेज ऑफ स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज, नहीं गाइस। परचेज ऑफ एसेट फॉर द बिजनेस, नहीं गाइस। परचेज ऑफ गुड्स इन कैश एंड क्रेडिट, यस बिल्कुल सही। ऑल ऑफ द अबव, नहीं गाइस, क्योंकि परचेजेस रेफर करता है किसको, जिस चीज में आप डील करते हो। यस भैया, ये तो हमें पता था, वेरी गुड गाइस। तो यहां पर कई बच्चे क्या करते हैं जल्दी जल्दी में कि परचेजेस स्टेशनरी भी कर रहे हैं भैया, एसेट भी होती है और उसके बाद गुड्स भी होता है, गलत हो जाएगा वो। अगर आप ऑल ऑफ द अबव करते हो गलत है, क्योंकि परचेजेस जो है वो रेफर करता है किसको, गुड्स जो आप, जिस चीज में आप डील कर रहे हो, चाहे वो कैश में खरीद रहे हो चाहे वो क्रेडिट में खरीद रहे हो। देखिए इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है, आइडेंटिफाई द रोंग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, हमें गलत स्टेटमेंट पता लगानी है। देखिए सबसे पहले क्या कह रहे हैं, डिक्रीज इन फिक्स्ड टेंजिबल एसेट इज ट्रीटेड एज डेप्रिसिएशन, बहुत अच्छे से जानते हो। यस भैया, ये तो पता है, अगर फिक्स्ड टेंजिबल एसेट की वैल्यू कम होती है उसे डेप्रिसिएशन बोला जाता है। इंक्रीज इन फिक्स्ड टेंजिबल एसेट इज ट्रीटेड एज परचेज ऑफ एसेट, बिल्कुल सही बात है। डिक्रीज इन फिक्स्ड टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट सॉरी, उसे amortization बोला जाता है, बिल्कुल सही। As per the law, business and businessman, मतलब owner, are separate entity, बिल्कुल गलत। भैया ये तो आपने, ये तो हमने पढ़ा है, दोनों अलग अलग होते हैं। गाइस आप ध्यान से समझिए, एज पर अकाउंट्स, देखिए दो बातें आती हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए, एज पर अकाउंट्स और एज पर लो। एज पर अकाउंट्स क्या कहते हैं, एज पर अकाउंट, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है कि जो बिजनेस है और जो हमारा ओनर है, दोनों क्या है, अलग अलग, दोनों अलग अलग है। दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं, जो बिजनेस के द्वारा, बिजनेस में ओनर के द्वारा पैसा लगाया जाता है, बिजनेस उसको अपनी लाइबिलिटी मानता है। लेकिन लोग कहता है भैया नहीं, हम तो इन दोनों को सेम मानते हैं। अगर मान लीजिए बिजनेस बंद होगा तो ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, लाइबल होगी। तो लोग कहता है कि दोनों सेम है, वो सेपरेट एंटिटी नहीं बोलता है। तो आंसर इज डी, पहले का आंसर था सी, इसका आ गया डी। पिक द ऑड वन आउट, इसमें से जो आपको लग रहा है कि जो एक जैसे है, मिलते जुलते हैं, उनको रखना है और बाकी ऑड वन आउट को बाहर करना है। डेटर, ओके। बुक डेट्स, पैसा लेना है। कस्टमर, पैसा लेना है। यस सप्लायर, ऑड वन सप्लायर है, बाकी सब कौन है जिनसे पैसा लेना है। इसके बाद मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है। रिवेन्यू रिसीट, आपको पता है रिवेन्यू रिसीट क्या होता है, बताइए 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 जल्दी से। यस भैया, रिवेन्यू रिसीट होता है जो पैसा हमें बार बार मिलता है, विचार ऑफ रेकरिंग नेचर। यस गाइस, बिल्कुल सही। कैपिटल रिसीट, जो हमें बार बार मिलता नहीं है। उसके बाद रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो खर्चा जो हम बार बार करते हैं, बिल्कुल सही। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो हम खर्चा बार बार नहीं करते, एक बार करते हैं। तो सबसे पहले रिवेन्यू रिसीट, देखो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ये खर्चा बार बार होता है तो ये रिवेन्यू हो गया, ठीक है। उसके बाद परचेज ऑफ मशीनरी, दैट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये खर्चा बार बार होता नहीं है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, गाइस ये पैसा, इंटरेस्ट आपको, क्योंकि एफडी करवाई हुई है, इंटरेस्ट आपको बार बार मिलेगा, दैट इज ए रिवेन्यू रिसीट। और उसके बाद कैपिटल रिसीट, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर को आप बार बार बेचते नहीं हो, तो बेचकर जो पैसा आएगा वो कभी कभी आता है। तो आंसर क्या हुआ गाइस, सबसे पहले आएगा क्या, सबसे पहले इसका पार्ट है सी, फिर उसके बाद डी, उसके बाद क्या है सी हो गया, डी हो गया, फिर उसके बाद थर्ड में देखिए ए, उसके बाद क्या है गाइस बी। तो सी डी ए बी, सी डी ए बी, सी डी ए बी, सी डी ए बी, यस गाइस सी डी ए बी, दैट इज योर बी ऑप्शन। गाइस ध्यान से करना, कई बार हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत टिक कराते हैं। चलिए गाइस,
इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है देखिए, शिवांगी हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ हर बिजनेस ऑन 31 मार्च. कब की बात की गई है? एट द एंड ऑफ द ईयर. टोटल एसेट है गाइस देखिए 6,75,000, ओनर्स इक्विटी है 3,25,000. ठीक है, ये एट द एंड ऑफ द ईयर की बात की गई. आउटस्टैंडिंग रेंट दैट इज ए लाइबिलिटी. आउटस्टैंडिंग रेंट आपको पता है दैट इज ए आउटसाइड लाइबिलिटी. क्रेडिटर दैट इज ऑल्सो ए आउटसाइड लाइबिलिटी. ठीक है, टोटल देखो आप क्या बोला गया, टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज निकालनी है. तो आपको पता है टोटल एसेट, टोटल एसेट्स किसके इक्वल होता है गाइस? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कंफ्यूज करने के लिए. टोटल लाइबिलिटीज के, और टोटल लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है? दैट इज एक्सटर्नल लाइबिलिटी प्लस में ओनर्स इक्विटी. तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ओनर्स इक्विटी है देखिए गाइस 3,25,000. तो 7 लाख, 6,75,000 माइनस 3,25,000 इज इक्वल टू एक्सटर्नल लाइबिलिटी. तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी आ गई 3,50,000. यू विल से भैया ये तो यहाँ पर 5,000 और 70 दिया हुआ है, इसका क्या करेंगे गाइस? ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि जो हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट है एज वेल एज क्रेडिटर दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ किसका? एक्सटर्नल लाइबिलिटी. और हमें टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटी बोला गया, तो आंसर इज 3,50,000 इज योर डी पार्ट. भैया ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था. यस गाइस दैट वॉज वेरी वंडरफुल क्वेश्चन. चलिए गाइस आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी बताइए आप लोगों को बताना है. लक्ष्य कमेंस बिजनेस और 1 सितंबर 2020. यस भैया 1 सितंबर को किया विद द कैपिटल, मतलब ये उसकी ओपनिंग कैपिटल है, मतलब जितना उसने पैसा 1 सितंबर को लगाया है वो कैपिटल है. ठीक है, बिल्कुल सही आपको समझ आ गया. 31 मार्च 2021 हैज मेड अ लॉस ऑफ 80,000. लॉस हो गया गाइस कितना? 80,000 का. ऑन दैट डेट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट टोटल एसेट ऑफ द फर्म, देखो मतलब 31 मार्च को टोटल एसेट जो है वो कितनी है गाइस? ये आ गई हमारी 13 लाख. एंड टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटी इज 4,50,000. गाइस ये तो बिल्कुल इजी हो गया. टोटल एसेट किसके इक्वल होता है? एक्सटर्नल लाइबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी. और उसके बाद हमें क्या मांगा गया? क्लोजिंग कैपिटल. ये तो दिया हुआ है, टोटल एसेट दिया हुआ है 13 लाख और टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटी है 4,50,000. तो 13 लाख में से 4,50,000 को क्या कर देंगे? माइनस. तो ओनर्स इक्विटी आ जाएगा. ये जैसा हमने ऊपर पढ़ा है वैसा ही क्वेश्चन आ रहा है. देखो गाइस ये आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हो. आप लोग सोचते हो भैया ये 80 दिया हुआ है लॉस, इसका भी होना चाहिए कुछ ना कुछ. ये जो ओपनिंग कैपिटल है इसका नहीं गाइस, वो कह रहा है भैया एट द एंड टोटल एसेट इतनी है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी टोटल इतनी है, तो इसका मतलब ओनर्स इक्विटी इजीली निकल जाएगा जो एट द एंड ऑफ द कैपिटल होगा, ये आ जाएगा 8,50,000. तो आंसर इज सी. इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, पिक द ऑड वन आउट. अगेन आपको जो ऑड वन है उसको बाहर करना है, करिए. देखिए कैश बुक, ठीक है, परचेज बुक, कैश बुक, परचेज बुक, सब्सिडरी बुक की बात कर रहा है, सेल बुक भी इसी में आता है, पासबुक नहीं गाइस, पासबुक इसके अंदर नहीं आता है, पासबुक तो बैंक बनाता है, तो पासबुक एक अलग होता है, तो इसको हमने बाहर कर दिया. इसके बाद गुड सप्लाइड, यस गाइस ध्यान से, गुड सप्लाई किया, कॉस्ट है 80,000. सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यस बताइए भैया, कि गुड्स हमेशा जो सेल होता है वो सेलिंग प्राइस पर होता है, कॉस्ट पर नहीं होता है. कॉस्ट में प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके दिया जाता है, लेकिन यहां पर कॉस्टिंग दिया हुआ है तो हमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना पड़ेगा. कॉस्टिंग है 80,000. इश्यूड इनवॉइस एट 25% अबव कॉस्ट. दे दिया कि जो इनवॉइस है, जो हमने जितने में सेल किया है उसका जो इनवॉइस बनाया वो हमने 25% अबव कॉस्ट, मतलब प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट के ऊपर 25% है, तो इसका 25% 20,000 आ जाएगा. तो यहां पर कितना आ जाएगा? ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया 1 लाख. लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब 10,000 ट्रेड डिस्काउंट हो गया, मतलब ये हो गया 90,000. गाइज ये हमारा कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट. यस बिल्कुल क्लियर. उसके बाद एंड 2% कैश डिस्काउंट, फुल अमाउंट वॉज रिसीव्ड इमीडिएटली, मतलब नो का कितना हो गया? 1,800 क्या हो गया? कैश डिस्काउंट. देखिए गाइस हमसे मांगा क्या गया? द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट वॉज रिकॉर्डेड इन बुक. भैया एक तो 10,000 हो गया, एक 1,800 हो गया, 11,800 आंसर आना चाहिए. नहीं गाइज उसने बोला द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट वॉज रिकॉर्डेड. आपको पता होना चाहिए ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड होता नहीं है, केवल कैश डिस्काउंट होता है. ही इज टॉकिंग अबाउट कैश डिस्काउंट, दैट मींस 1800 बी इज योर पार्ट. दैट वाज वेरी वंडरफुल क्वेश्चन भैया. ये तो हम गलत कराते. भैया आप गलत नहीं करना है. भैया हमें तो आता था, कुछ बच्चे बोल रहे हैं हम तो सही करते, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी. वेरी नाइस गाइज, जिनको दिक्कत नहीं थी बहुत बढ़िया है. चलिए गाइज इसके बाद हमारे पास आ रहा है, देखिए जल्दी से फास्ट जल्दी से देखिए हमारे पास क्या आ रहा है. इलस्ट्रेशन नंबर 47, गुड्स ऑफ रुपीज 1 लाख वर परचेज्ड एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%. अगेन हमने आप देखो अब परचेज किया 1 लाख का, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट है 10%, 10,000 माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 90,000. ठीक है, उसके बाद फ्रॉम लक्ष्य सोल्ड 1/5 ऑफ द अबव गुड, इसका 1/5 कितना हो गया? 18,000. मतलब 18,000 को ये कॉस्ट है, सेल हमेशा सेलिंग प्राइस, अभी इसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड होगा. Above at a profit of 20%, मतलब 18,000 का 20% 3,600,
ठीक है गाइस, 3600 कहने का मतलब क्या हो गया, देखो 21,600 इतने में ये बनता है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, एट अ डिस्काउंट ऑफ 2%, 2% कैश डिस्काउंट है, तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, अगेन अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, तो इसका 2% गाइस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 12 3 4 432, चेक करो गाइस 432, यस बी इज योर आंसर, 432 क्या हो जाएगा, कैश डिस्काउंट, यस गाइस। चलिए गाइस आगे चलते हैं, गुड सोल्ड टू मॉक्सी कॉस्ट प्राइस, अगेन यहां पर कॉस्ट प्राइस दिया है, पर हमेशा गुड सोल्ड टू मॉक्सी कॉस्ट प्राइस है उसकी 60,000 रुपीज 60,000। अगेन मैं अभी बता रहा था आपको जो कि यहां पर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 60,000, ठीक है 60,000 हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, दैट इज कॉस्ट, ठीक है क्लियर, यस भैया क्लियर। एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, 25% मतलब कितना हो गया इसका, 15,000 प्रॉफिट हो गया, यस भैया 15,000, तो ये हो गया टोटल 75,000। लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, 7,500 हमारा ट्रेड डिस्काउंट हो गया, यस क्लियर है भैया, ये हो गया 67,500, ऑलराइट। उसके बाद कैश डिस्काउंट 2%, 2% का कैश डिस्काउंट, लेकिन अभी क्या बोला गया, 60% अमाउंट इज स्टिल रिसीवेबल फ्रॉम मोक्षी, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। देखो आप, इसका मतलब 40% तो हमें मिल गया है, लेकिन 60% अभी मिलना बाकी है, तो हमें कैश डिस्काउंट, गाइस अगेन हम कैश डिस्काउंट किस पर देंगे, जो पैसा हमें मिला है, तो इसका 40% तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 5 20, 4 7 28 30, 4 6 24 और 3 27 27,000। अब 27,000 के ऊपर उसने कितना बोला है, कितना बोला है जल्दी से बताओ, कितना बोला है, दैट इज 2%, तो 2% कैश डिस्काउंट देंगे, दैट वुड बी 540, डी इज योर आंसर, ठीक है गाइस। अगेन मैं कैलकुलेशन देख लेता हूँ, 4 5 20, 4 7 28 30, 4 6 24 और 3 27, 27 × 2 540, yes, answer is absolutely right, भैया ये भी बहुत अच्छा था, yes guys, बहुत अच्छा question था, purchase goods from Manmeet, देखो again क्या बोल रहा है, हमने Manmeet से 50,000 का purchase किया, yes भैया समझ आ गया, 50,000 का हमने purchase किया, at a discount of 10%, मतलब 5,000 trade discount हो गया, minus हो जाएगा, that would be 45,000, and a cash discount 2%, 2% cash discount है, amount still payable to Manmeet is, अरे भाई अब परसेंटेज नहीं दी, अब क्या दे दिया आपको कि इतना अमाउंट अभी भी पे करना बाकी है, तो गाइस यहीं से हम क्या कहेंगे, 12,500 तो अभी पे हुआ ही नहीं है, तो इसका मतलब कितना पे हो गया, 32,500, इसका मतलब हम ये पे कर रहे हैं, इसके ऊपर हमें क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट, तो हमें क्या हमसे डिमांड क्या कर रहा है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी, अगेन गाइस इसका 2% हो जाएगा, 2 5 10, 4 5 2 6 650, डी इज योर आंसर, गाइस बिल्कुल इजी है, हमें क्या बोला गया, जो अमाउंट स्टिल पेबल टू Manmeet कितना है गाइस, 12,500, ठीक है 12,500 अभी तक पे नहीं किया, इसका मतलब 45 में से 32,500 हमने पे किया, अब जब पे करेंगे 2% हमें क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट, तो उसका आ जाएगा 650। उसके बाद गुड्स कॉस्टिंग है रुपीज कितना, गुड कॉस्टिंग कितनी है गाइस, 1,60,000, कितनी है गाइस जल्दी से बताइए, 1,60,000 सोल्ड टू पर एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, अगेन सेल किया है सेल के लिए, लेकिन हमें कॉस्ट दी हुई है, तो 1,60,000, 1,60,000 का 25%, तो ये आ जाएगा 40,000, तो ये आ जाएगा कितना, 2 लाख, 2 लाख हमारा सेलिंग प्राइस आ गया, 10% डिस्काउंट है, 20,000 क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा 1,80,000, ये आपका क्या आ गया, 1,80,000 ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद आ गया, 2% क्या है गाइस, अगेन क्या बोला गया, कैश डिस्काउंट, अमाउंट स्टिल रिसीवेबल, अगेन वही बात कह रहा है कि अमाउंट अभी भी जो मिलना बाकी है वो कितना बाकी है, 33,500, इसका मतलब बाकी कितना हो गया, 1 लाख, जल्दी से बताओ जल्दी से 46,500 ये पैसा हमें मिल रहा है, और उसके ऊपर हम क्या दे रहे हैं गाइस, देखिए 33,500 था, हमने ये माइनस किया, तो 1,46,500, चेक कीजिए गाइस ये सही है या नहीं, बिल्कुल सही है। चलिए गाइस आगे चलते हैं, उसके ऊपर 2% कैश डिस्काउंट, 2 5 10 12 13 9 2, 2930, यस आंसर इज ए, यस गाइस बिल्कुल इजी है ना,
आई होप आप लोगों को आ रहा होगा गाइस, इस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लोग अपने आप को प्रिपेयर कीजिए ताकि एग्जाम में गलती ना हो। चलिए गाइस, अब एजर्शन रीजन जो आपको थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट करता है वो भी क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए एजर्शन ए क्या बोला गया, परचेज ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट विल नॉट इंक्रीज द क्रेडिटर ऑफ द फर्म। बिल्कुल सही, क्योंकि परचेज ऑफ एसेट किसको रिप्रेजेंट करता है गाइज, वेंडर। क्रेडिटर्स को नहीं बोलते, क्रेडिटर्स नहीं बोला जाता है, उनको वेंडर बोला जाता है। तो इसका मतलब एजर्शन बिल्कुल सही है। अब रीजन इसका क्या, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स ओनली इंक्लूड दोस टू हूम अमाउंट इज पेबल फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। बिल्कुल सही, क्योंकि क्रेडिटर्स के अंदर वो लोग आते हैं जिनसे हम जिस चीज में डील कर रहे हैं उनसे उधार पर परचेज करते हैं। तो इसका मतलब एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आंसर इज योर ए। आगे चलते हैं, देखिए गाइस बहुत अच्छा ये वाला क्वेश्चन था, 52 देखिए, एजर्शन डेप्रिसिएशन इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट बिकॉज ऑफ यूसेज पैसेज ऑफ टाइम एंड एक्सीडेंट। बिल्कुल सही। उसके बाद रीजन, डेप्रिसिएशन कैन बी चार्ज्ड ऑन ऑल फिक्स्ड एसेट वेदर दे आर टेंजिबल और इनटेंजिबल। नहीं गाइस, क्योंकि इनटेंजिबल के लिए वी यूज क्या, amortization। तो यहां assertion बिल्कुल सही है लेकिन reason उसकी सही नहीं है। तो answer is सही, केवल assertion आपकी correct है। इसके बाद चलते हैं assertion, अगली assertion और reason पर। देखिए as per the prudence principle, अच्छा prudence कौन सा principle याद है आपको, yes conservatism approach, जो क्या कहता है फ्यूचर के लॉसेस को आज ही अपना क्या मानना है, आपको लॉस मानना है। तो इसीलिए क्या कहता है, एज पर प्रूडेंस प्रिंसिपल क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। यस बिल्कुल सही, क्योंकि प्रूडेंस कहता है भैया फ्यूचर के लॉस को आज ही अपना लॉस मानना है लेकिन फ्यूचर के प्रॉफिट को अपना लॉस नहीं मानना है। जैसे अपना प्रॉफिट नहीं मानना है, जैसे मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर उसकी हमारे अकॉर्डिंग बुक हमारी बुक वैल्यू है 1 लाख और उसकी मार्केट वैल्यू है 2 लाख, ठीक है 2 लाख, क्लियर। अब वो क्या कहता है क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, कॉस्ट या रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, कितना आएगा 1 लाख। मतलब हमारा, हमें पता है 1 लाख का मतलब आज के टाइम में उसकी वैल्यू 2 लाख है, 1 लाख का हमें बेनिफिट। कह रहे भैया फ्यूचर के प्रॉफिट को आज ही प्रॉफिट मानना नहीं है, लेकिन अगर 1 लाख आपका कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू है 50, तो वो क्या कह रहा है विच एवर इज लेस, तो क्या आ जाएगा 50। तो वो कह रहे फ्यूचर के लॉसेस को आज ही अपना क्या मान लेना है, लॉस मान लेना है। तो जो हमारा क्या है क्लोजिंग स्टॉक, वो किसको फॉलो करता है, प्रूडेंस को या कंजर्वेटिज्म अप्रोच को। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और उसके बाद इसका कारण क्या है, देखो कारण क्या होता है, ताकि हम देखो सो दैट बिजनेस फर्म कैन नॉट शो द बेटर पिक्चर देन व्हाट एक्चुअली इज, ताकि बिजनेस जो है एक्चुअल में जो उसकी पोजिशन है, क्योंकि अब मान लीजिए लॉसिस को हम दिखाएंगे तो हमारे प्रॉफिट कम होंगे, अगर हम इनको इस तरीके से नहीं दिखाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, तो बेटर पिक्चर शो होगी। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, ताकि हम अपनी जो एक्चुअल पोजीशन है उसको दिखा सके, ताकि उससे बेटर पिक्चर क्या ना कर सके, शो ना कर सके। तो इसका मतलब आंसर इज ए, बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चलिए गाइस देखिए, अब हमारे पास आ रहा है MCQ नंबर 54। Human resource in a business firm are important, but not reflected in the financial statement of the firm. Yes, human resource जो है वो बहुत important है business के लिए, लेकिन हम financial statement में उसको दिखाते नहीं है। क्यों नहीं दिखाते, आप बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि वो monetary term में नहीं होता है। अब दो employees के बीच में झगड़ा हो रहा है, क्या आप पता लगा सकते हो 50 रुपए का झगड़ा है या 100 रुपए का झगड़ा है, नहीं पता लगा सकते, क्योंकि हम उसको monetary term में क्या नहीं लगा सकते, पता नहीं लगा सकते। उसके बाद रीजन इसका क्या दे रखा है, दिया हुआ है ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। यस बिल्कुल सही है, एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेसमैन। यस हम बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं, हम ओनर की अकाउंटिंग करते नहीं है। रीजन तो सही है, मतलब ये भी सही है, लेकिन ये इसकी रीजन जो है दिया हुआ है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो देखिए बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो यूर आंसर इज दैट इज बी, तो यूर आंसर इज बी। अगला देखिए इसके बाद है 25th, assertion A, capital is treated as liability of the business. बिल्कुल सही, and is shown in the liability side of the balance sheet. बिल्कुल सही। As क्यों? क्योंकि as per the business entity principle, both businessman and business, मतलब owner और business, क्योंकि वो separate है। बिल्कुल सही, दोनों बातें बिल्कुल सही और explanation भी। तो answer is your A. I hope guys आप लोगों को ये 17 के 17 MCQ बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ हमने आज डिस्कस किए हैं, डिफरेंट तरीके के MCQ हमने डिस्कस किए हैं,
एजर्शन और हमने रीजंस वाले भी एमसीक्यू आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, इसके ऊपर कमेंट और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों का भी बेनिफिट हो सके और स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और गाइज वन मोर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको बहुत अच्छे से अकाउंट्स को समझना है 11th एंड 12th, तो गाइज हमारी ऐप माधव अकाउंटेंसी क्लासेस, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एज वेल एज प्ले स्टोर में आप माधव अकाउंटेंसी क्लासेस को सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी, वहां पर सारे कोर्सेज अवेलेबल है। तो आप जल्दी से ऐप को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर टूडेज क्लास।